Prime Minister spoke to President Trump yesterday. Before that, he also sent a message on X post congratulating him on his historic election victory. Prime Minister conveyed to President-elect that we look forward to working very closely. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फोन करके डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी चुनावों में उनकी शानदार जीत पर बधाई दी। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा साझा किया और ये भी कहा कि वो अमरीकियों द्वारा दिए गए जनादेश का सम्मान करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया, भारत जनादेश के इस अभिव्यक्ति का जश्न मनाता है। जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की, हम उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने चर्चा की कि भारत और अमरीका दोनों ही लोगों की बेहतरी और वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए काम करेंगे। नेताओं ने दोनों देशों के लाभ और वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। इंडिया यूएस पार्टनरशिप इज अ स्पेशल, वेरी स्पेशल एंड मल्टी फैसेटेड पार्टनरशिप। अ प्राइम मिनिस्टर स्पोक टू प्रेसिडेंट ट्रंप यस्टरडे। बिफोर दैट ही आल्सो सेंट अ मैसेज ऑन एक्स पोस्ट कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज हिस्टोरिक election victory. As fellow democracy, we India celebrates this expression of people's mandate in the United States. Prime Minister conveyed to President-elect that we look forward to working very closely, as he had done with him earlier as well, closely to further strengthen India-US comprehensive global and strategic partnership. Both India and the United States will work for the betterment of the people and to promote global peace and stability and prosperity. So we want to further strengthen our partnership and we look forward to it. Modi ne Trump ke pehle karyakal ke dauran Houston mein Howdy Modi karyakram aur Ahmedabad mein Namaste Trump karyakram sahit apni yaadgar baatcheet ko bhi yaad kiya. Dono netaon ke beech dosti ka itihas raha hai. Modi ne X par post kiya ki unhone apne dost Trump ke sath shandar baatcheet ki. उल्लेखनीय राजनीतिक वापसी करते हुए 78 वर्षीय ट्रंप ने अपनी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को हराकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने के लिए व्हाइट हाउस की दौड़ जीत ली। ट्रंप ने 2016 में चुनाव में अपनी पहली जीत के बाद अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। डोनाल्ड ट्रंप 25 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करने के लिए तैयार है। ट्रंप एक सदी के बाद गैर लगातार कार्यकाल के लिए व्हाइट हाउस लौटने वाले पहले अमरीकी राष्ट्रपति बन गए हैं। वे 2020 के चुनाव में जो बाइडन से हार गए थे, हैरिस जनवरी 2021 से उपराष्ट्रपति हैं।